लव एक शादी से स्टार्ट हुआ है। शादी में हम लोग मिले थे दोनों आदमी, उसी दौरान हम लोग का लव स्टोरी वहाँ से मतलब स्टार्ट। राजी हैं? राजी नहीं थे हम लोग, राजी किए हैं, बहुत दिक्कतों का सामना कितना किए दिनों हैं, से प्यार करते हैं यार? करीबन 3 साल लोगों में से से हम नहीं हैं, है? उन लोगों में से हम पूरा दोनों नहीं विश्वास हैं। है हाँ पूरा 100%। ना, मेकअप किए ना, जब इतना कमाते हैं ना सब लगाते हैं इसमें। तो दोस्तों फिर से स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। आज हम जानना चाहेंगे, दो प्रेमिका हमारे साथ है और इन लोगों का लव स्टोरी के बारे में जानना चाहेंगे कि लव स्टोरी कहाँ से शुरुआत हुआ, और ये लोग यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं काफी दिनों से और लव स्टोरी के बारे में ज्यादा ये लोग डालते हैं। तो हम इनका वीडियो एक बार देखे, उसके बाद से पता चला कि ना ये लोग यहीं पर रहते हैं, गोपालगंज में जादूपुर के रहने वाले हैं ये लोग। तो आइए इन लोग से बात करते हैं और इन लोग के लव स्टोरी के बारे में जानकारी लेते हैं कि इन लोग का लव स्टोरी कहाँ से चालू हुआ है। तो सर सबसे पहले आपका जनता में आपका स्वागत है और यूपी बिहार लाइव न्यूज में स्वागत है। तो जितने भी जनता हमको देख रहे हैं सच तक जनता से और यूपी बिहार जो है न्यूज से, तो मेरा प्रणाम है सब किसी को। और मेरा लव स्टोरी के बारे में बताएं तो आरती जी मेरी मतलब दूर की रिलेटिव हैं, ठीक है। और हम लोग का लव एक शादी से स्टार्ट हुआ है। शादी में हम लोग मिले थे दोनों आदमी, उसी दौरान हम लोग का लव स्टोरी वहाँ से स्टार्ट हुआ। और काफ़ी दिन, 2-3 साल से इनसे हम प्यार करते हैं और हम लोग शादी भी करने वाले हैं फ्यूचर में। आपके घर वाले एतराज़ नहीं करते हैं? हमारे घर वाले इतराज करेंगे, थोड़ा बहुत दिक्कत हुआ था, वो हम सब दिक्कतों का सामना करते हुए और आरती जी से सगाई भी कर चुके हैं। मेरे फैमिली वाले कितने सबको साल से प्यार करते हैं आरती जी से? मतलब करीबन 3-4 साल से हम प्यार करते हैं। बाद में चलकर धोखा दीजिएगा तो? इसे कभी धोखा नहीं देंगे, पूरा विश्वास है आरती जी? हाँ पूरा विश्वास है। और क्या, कब से आपका मतलब स्टोरी, पूरा उसका डिटेल्स बताइए हमको। लव स्टोरी मतलब शादी से स्टार्ट हुआ है। शादी में हमको कहीं शादी में रहते जाते हैं, वहाँ पे इनको देखते हैं जी, तो आपको प्यार हो जाता है जी, ऐसा होता है। बट ऐसा होता है जी, ऐसा होता है। अब आप लोग बोल कर आप मुस्कुराते मुस्कुराते थे कि नहीं वहाँ पे जब शादी? नहीं हम इनको देख के कैसे नंबर नंबर देते हैं जी? प्यार हो जाता है, प्यार किया नहीं जाता है, प्यार हो जाता है, प्यार एक अट्रैक्शन है, ठीक है। यूट्यूब पे आने का क्या कारण है आपका? यूट्यूब पे आने का हम लोग का कारण है कि हम लोग पॉपुलर होना चाहते हैं, हम लोग भी अपना मतलब कहीं पे जाएं, सेलिब्रिटी बनना चाहते हैं बस हम लोग, और कुछ मकसद नहीं है कि हम लोग। और बस मान लीजिए प्यार करते हैं तो यूट्यूब पे आ गए। दोनों आदमी के फैमिली वाले जानते हैं प्यार करते हैं? हाँ फैमिली वाले भी जानते हैं। घर के लोग मतलब राजी हैं? राजी नहीं थे हम लोग, राजी किए हैं, बहुत दिक्कतों का सामना किए हम लोग, बहुत ज़्यादा। अभी भी आधा से मतलब बेसी हम लोग का जो होता है परिवार के लोग हमसे नाराज भी, हम लोग अच्छा से बात नहीं करते हैं बस लव लव के लिए। कि कितना दिनों से प्यार करते हैं? करीबन 3 साल से, और 2019 से हम इसे करीबन 20 तारीख 6वां महीना 2019 से प्यार करते हैं उसी टाइम से। अच्छा बाद में आपके घर वाले इनकार कर दे कि ना सगाई होगा, ये हो गया चाहे, अब आजकल के देखिए ना शादी तय हो गया, दो तीन महीने के बाद मतलब छोड़ जाता है, तभी मतलब टूट जाता है शादी। ऐसा कुछ तो हम सोचे ही नहीं अभी तक, इसके साथ छोड़ेंगे ऐसा कुछ नहीं है। बाकी मतलब आजकल के प्रेमिका लोग क्या करता है कि प्यार के जाल में फंसाता है, धोखा दे देता है। देखिएगा आरती जी, सागर जी कभी आपको? में से हम नहीं है, है? उन लोगों में से हम दोनों नहीं है। हाँ पूरा 100%, पूरा 100% विश्वास है, पूरा है। इनको हम पे विश्वास है तभी ना इतना लंबा चौड़ा सफर हम तय कर लिए हैं 2-3 साल। अभी 3 साल में आप लोग का झगड़ा कभी हुआ है कि नहीं हुआ है? बहुत बार हुआ है, हुआ है बस। झगड़ा तो डेली होता रहता है, डेली होता है, करते हैं, एनी टाइम करते हैं, बट हम इतना नहीं करते हैं। बात नहीं करते हैं, झगड़ा वगैरह करते हैं आप लोग? कई दिन की बात नहीं, बस 5 मिनट 10 मिनट इतना। अच्छा मोबाइल स्विच ऑफ कर देते होंगे? नहीं ये नहीं करते, हम करते हैं। ये हमको ब्लॉक कर देते हैं, ये हमको ब्लॉक लिस्ट में डाल देती है, लड़के के चक्कर में पड़ जाता है, सोचे कि नहीं वो बंदी है। नहीं ऐसा नहीं करते हैं, नहीं करते, ऐसा कभी फीलिंग ही नहीं आता है इनके सिवा। इनके सिवा आप लोग में दोनों आदमी में कौन मतलब पहले झगड़ा करता है? झगड़ा तो आरती ही करती है। कितना झूठ बोलते हैं आप, करते हैं पहले? अब झगड़ा क्या, किसी किसी बात से झगड़ा हो जाता है क्या, झगड़ा का तो कुछ भी। नाराज हो जाते हैं कभी कभी। शादी कब करिएगा आप लोग? शादी पब्लिक देख रही है, हमारा यूट्यूब चैनल है सागर आरती ब्लॉग्स, और उस पर थोड़ा सा मतलब मेहनत कर रहे हैं लोग, और कामयाब हो जाएंगे, जब भी कामयाब हो जाएंगे उसके बाद से हम लोग शादी कर लेंगे। अभी तो नहीं प्लान किए हैं कि शादी करना है कब, नहीं अभी आगे फ्यूचर में देखेंगे लोग। दहेज में क्या लीजिएगा आरती जी के? दहेज तो आज तक ना सोचे हैं दहेज के बारे में, ना कभी लेंगे, यही मिल जाए बस उतना ही हमको काफी है। जी आप लोग कितने बहन हैं? हम लोग तीन। तीन बहन है, सबसे बड़ी आप ही हैं? नहीं छोटी हूं। छोटी हैं, और बाकी आदमी का शादी हो गया? आप लोग के सिस्टर जैसे हैं कि बड़ी वाली, वो बोलती नहीं है कि काहे लिए तुम ये सब कर रही हो? नहीं बोलती, बोलती है, डांटती थी पहले, अब नहीं बोलती, अब जान गए सब तो नहीं बोलती है कोई भी।
घर पे बात होता है कि नहीं? सब कोई बात करता है। इनके घर वाले लोग राजी हैं, मेरे घर वाले लोग राजी नहीं है। ये जानते हैं गरीब फैमिली से, ठीक है, गरीब का कोई भी मतलब होता है ना सहारा नहीं होता है। अमीर लोग लड़का जो होता है ना गरीब, वो गरीब के यहाँ शादी नहीं करता है। वो लोग सोचता है क्या कहीं दहेज ले लें ज़्यादा, और ज़्यादा हमारा दहेज में, तो ऐसा कुछ नहीं कि आर्थिक आर्थिक घर से हम लोग कुछ दहेज हमको नहीं मिला है, इसीलिए मेरे देखिए आ गया ना बात, इनके घर वाले तैयार नहीं है, बाद में ये भी घर वाले के चक्कर में पड़ के आपसे शादी ना किए तो क्या करिएगा? नहीं ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, कर दिए तो क्या करिएगा? नहीं करेंगे, ऐसे सोचे भी नहीं हम लोग, ऐसा नहीं, नहीं होगा। सागर जी बहुत विश्वास करते हैं आरती जी, और हमेशा इनको आप इतना प्यार दीजिएगा कि मतलब ये लोग मतलब ऐसा लगे कि इनका कभी मतलब दुख मतलब महसूस ना हो, कि ऐसा कभी दुख ही महसूस नहीं होगा। देखिए इतना मेकअप की है ना, जब इतना कमाते हैं ना सब लगाते हैं इसमें अभी से लगाते हैं, अभी शादी नहीं हुआ है तब से, उसे कोई कोई बात का हम लोग थोड़ा सा भी हम दुख नहीं देते हैं इसको, बस खुश रहे, आबाद रहे बस।